अगर आपका कोई भी कीमती सामान या फिर कोई भी चीज चोरी या फिर खो जाता है तो आपको ये न्यूमरोलॉजी का चार्ट उसका आंसर दे देगा या फिर गाइडेंस आपको मिल जाएगा। चलिए आज का प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। आप आपके विषय के बारे में सोच के साथ मन से 1 से 84 के नंबर के बीच में कोई भी नंबर चुनिए और आगे वीडियो पे उस नंबर के बारे में जो भी आंसर है उस आंसर को देखिए और आपका जरूरी सामान और चीज उस जगह पे ढूंढिए या फिर उस आदमी से बात कीजिए। वन, वस्तु को मुख्य कमरे में सफेद लिनन के पास देखना चाहिए। एक गोरे बच्चे से पूछताछ होनी चाहिए। टू, यह घर में सेवा करने वाली नौकरानी की सहायता से फूलदान या कटोरे में या उसके करीब पाया जाएगा। थ्री, किसी परिच्छेद में या कागजों के बीच में। फोर, लेख आपके पास है और खोया नहीं है। फाइव, आप इसे बहुत कम प्रयास से स्वयं वापस पा लेंगे। टोपी, पगड़ी या अन्य हेडगियर के नीचे देखें। सिक्स, जहां सैंडल या जूते रखे जाते हैं, संभवतः शेल्फ, स्टैंड या रैक पर। सेवन, अपने नौकर से, खासकर अलमारी से जुड़ी नौकरानी से पूछें। एट, स्वयं या क्षैतिज कगार पर, कोई नौकर या काम करने वाला इसे ढूंढ लेगा। नाइन, एक बच्चे के पास या कुछ कपड़ों के बीच है। टेन, तुम्हें यह वापस मिल जाएगा, यह मुख्य कक्ष में है। इलेवन, आपको किसी टैंक, पूल या पानी के विस्तार तक एक छोटी यात्रा करनी चाहिए। ट्वेल्व, आपने इसे खो दिया है लेकिन इसे अपने काम के पास, अपने कार्यालय में या किताबों और कागजात के पास रख दिया है, यह सुरक्षित है। थर्टीन, देखें कि आप अपना लबादा, शॉल या कंधे पर लपेटने वाला कपड़ा कहाँ रखते हैं, यह नेक गियर के पास है। फोर्टीन, पगड़ी या टोपी के नीचे, यह बाहर है, शौचालय, सीवर या नाली का प्रयास करें, संदिग्ध पुनर्प्राप्ति। फिफ्टीन, पत्नी या पति के रूप में और उस स्रोत के असफल होने पर अस्तबलों या जहां घोड़ों को रखा जाता है वहां से देखें। 16, रसोईया तुम्हें ज्ञान देगा, आप इसे पुनर्प्राप्त कर लेंगे। 17, किसी शेल्फ या कैबिनेट के अनुभाग पर जहां कला के कार्य हो कीमती सामान रखा हुआ है। 18, घर में कोई वस्तु खो गई है वह वापस मिल जाएगी कपड़ों के बीच से। 19, सूखी, शुष्क जगह या रेतीली गली में थोड़ी दूरी पर। 20, लेख खोया नहीं है, केवल गलत फैलाया गया है, यह पानी के पास या बढ़िया लिनेन के पास पाया जाएगा। 21, लेख आपके पास स्वयं है, ये एक बॉक्स या केस में है जो दो भागों में मुड़ता है। 22, वह वस्तु घर में शेल्फ पर है और तुरंत मिल जाएगी। 23, थोड़ी दूरी पर दूसरे कमरे का प्रयास करें जहां कपड़े हों रखे गए हैं। 24, आप लेख को पकड़ें, ये किसी भी दृष्टि से खोया हुआ नहीं है। 25, आपके व्यक्तिगत प्रभावों के बीच एक त्वरित खोज, पाना कुछ सफेद और गोल, ये वहाँ है। 26, घर के सबसे बुजुर्ग आदमी से पूछें, उसने इसे सुरक्षित रखा होगा। 27, अस्तबलों की तलाशी लें और गाड़ीवान या कोचवान से पूछताछ करें। 28, एक मृत क्षति, इसे खोजने की परेशानी से खुद को बचाएं। 29, कोई पुराना नौकर या सिस आपको संकेत देगा, लेख वापस कर दिया गया है। 30, बच्चों या विद्यार्थियों से पूछताछ करने पर यह तुम्हें वापस मिल जाएगा, खेल में खो गया। 31, घर की किसी कोठरी या नाली में, सौभाग्य से तुम्हें यह पुनः वापस मिल जाता है। 32, पास के बरामदे या कगार पर, कुछ आयताकार। 33, ये आपके पास है और ये आपके तासीर में मिलेगा, शायद धोती या कपड़ों में। 34, आग के पास या मुख्य कमरे में चिमनी के पास, ये काफी करीब है और जल्द ही बरामद कर लिया जाएगा। 35, पानी के पास एक गुप्त स्थान पर, आपकी पत्नी या पति का निजी कमरा, वॉशिंग स्टैंड आजमाएं। 36, आया या बच्चों के अभिभावक द्वारा लौटाया जाएगा। 37, किसी तीर्थ कक्ष या निजी अपार्टमेंट में, परिसर में मिलेगा। 38, जिस स्थान पर तुम स्नान करते हो वहाँ की एक छोटी सी यात्रा से तुम उसे वापस पा लोगे। 39, वस्तु खोई नहीं है बल्कि एक शेल्फ पर रख दी गई है। 40, आप इसे अपनी धोती या अन्य परिधान में पाएंगे, पगड़ी, लंगोटी आदि में लिपटा हुआ। 41, घर में पत्नी या पति के जूते कहाँ रखे जाते हैं। 42, बावर्ची या रसोईये के घर में, कुछ पानी के पास या कुंभ। 43, ज्यादा दूर नहीं, घरियावां का पंडाल आजमाएं और अस्तबल, तुम्हें यह वापस मिल जाएगा।
44, ये आपके पास है। तेल के बर्तनों या दियों के बीच में देखें, इसे शुद्धिकरण की आवश्यकता होगी। 45, ये उतना ही अच्छा है जितना पाया गया। अपना हाथ शेल्फ पर रखो और ले लो यह। 46, आपके साथी के पास यह सुरक्षित अभिरक्षा में है। 47, दो नौकर एक साथ काम कर रहे हैं, उनसे सवाल करो। जो अपने पैरों पर असहज है वह आपको सूचित कर सकता है। 48, जहां आप पीने का पानी रखते हैं। 49, हमेशा के लिए खो जाने जैसा अच्छा, अगर मिला तो बहुत नुकसान होगा। 50, कोई खोया नहीं बल्कि दो भागों के एक डिब्बे या पात्र में, तुम्हारे पास है। 51, तुम उसे तुरंत स्नान करने के स्थान से पुनः प्राप्त कर लोगे। 52, अपने साथी या घर की मुख्य महिला से पूछें, उसके रिश्तेदार आपकी मदद कर सकते हैं, इसने हाथ बदल दिए हैं। 53, अब उस पर एक नौकर का कब्जा है, वह इसे बहाल करेगा। 54, ये परिवार के दायरे में है, बच्चों के क्वार्टर का प्रयास करें। 55, ये रेन पाइप के पास या पानी के पास के परिसर में होता है। 56, थोड़ी दूरी पर, आपके अंतिम के साथ एक संचार पड़ाव स्थल इसकी खोज करेगा। 57, आपके पास लेक है, ये एक सैडल बैग एक हिप पॉकेट में है या जहां आपका खेल का सामान रखा गया है। 58, ये दो व्यक्तियों के हाथ में है और कठिनाई से इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसका इलाज किया गया है। 59, एक पुराने नौकर के पास है, ये ब्रेड के बीच या केक में या आटे में पाया जाएगा। 60, ऐसा प्रतीत होता है कि यह पुनर्प्राप्ति से परे खो गया है। 61, घर के निचले हिस्से में, सैंडल या जूते, मोजे या नली के पास। 62, एक यात्रा बंद, आप इसे पुनर्प्राप्त नहीं करेंगे। 63, आपके पास लेक है, यह किसी पुरानी अंधेरी जगह या पुराने प्रभावों के बीच है। 64, लेक आपके पास है, इसे गलत तरीके से भुला दिया गया है और समय आने पर इसे वापस पा लिया जाएगा। अंधेरे कोनों और ऊंचे स्थान पर देखें। 65, ये आपके कब्जे से बाहर चला गया है और यदि है भी तो किसी एजेंट को नियुक्त करके इसे वापस प्राप्त कर लिया जाएगा। 66, ये दो नौकरों की साजिश से खो गया है, इसकी भरपाई शायद ही हो सके, विकलांग हाथ वाले व्यक्ति से पूछताछ की जानी चाहिए। 67, आप इसे किसी युवा व्यक्ति या बच्चे की सहायता से पुनर्प्राप्त करेंगे। 68, यह घर के शीर्ष पर है, एक नौकर इसे ले आएगा। 69, कुछ दूरी पर, आपका अंतिम पड़ाव स्थल, किसी रिश्तेदार के घर के प्रवेश द्वार के पास। 70, आपके पास लेक है, यह वह जगह है जहां पानी रखा जाता है। 71, वस्तु खोई नहीं है बल्कि आपके कब्जे में है, अपने पैरों से शुरुआत करें और जल्द ही यह आपके सामने आ जाएगा। 72, यह आपके निजी कब्जे में है, कुंभ के नजदीक है या पानी का बर्तन। 73, आप इसे आधिकारिक पूछताछ द्वारा पुनर्प्राप्त करेंगे। 74, एक विश्वास योग्य सेवक उसे तुम्हें लौटा देगा। 75, लेक युवा साथियों के हाथ में चला गया है, इसे बहाल किया जाएगा लेकिन क्षतिग्रस्त स्थिति में या मूल्य में गिरावट के साथ। 76, ये घर में होता है जहां रोटी और अनाज रखा जाता है। 77, थोड़ी दूरी पर, इसे एक नौकर द्वारा घर तक लाया जाएगा। 78, कुछ दूर, बैलों के पास, मुश्किल से ही उभर पाओगे। 79, आपके पास लेक है, यह किसी स्टील या लोहे के करीब होता है। 80, लेक आपके पास है, दो हिस्सों वाली किसी चीज में, एक बक्सा या डिब्बा, फुटगियर हाथ में है। 81, कपड़ों के बीच में देखो और तुम इसे पाने के लिए काफी भाग्यशाली हो सकते हो। 82, जहां खाना पकाया जाता है, रसोई में, खानसामा का परीक्षण करें। 83, एक युवा लड़की इसे आपके लिए वसूल करेगी, ये किसी टैंक या पूल के पास है। 84, ये घरों में, दोहरे पात्र, बक्से या डिब्बे में होता है। ये आज के कार्यक्रम का अंत है, अगले कार्यक्रम में हम और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें।